आप देख सकते हैं भाप भी उड़ते हुए। और भैया आप यहाँ से निकाल रहे हैं हमारे मोमोज, ये देखिए बड़े लजीज से हो गए हैं, बड़े डिलीशियस से हो गए हैं, और देखिए साथ में इसमें भाप उड़ रही है। और ये जी रेडी टू सर्व है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडी टू सर्व है, विद इन 8 to 10 मिनट्स में हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। गार्लिक सॉस आ जाता है यहाँ पर, बनाते हैं भैया लोग खुद बनाते हैं। ये जी ग्रीन चिली आ गई है यहाँ पर, ग्रीन चटनी आ गई है हमारी, शेजवान भी आजकल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चाइनीज है तो आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, चाइनीज में आपको शेजवान मिलेगा ही। और जी मेरा यहाँ पर जलजीरा आ गया, मैं टेस्ट करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संजीव फैमिली ब्लॉग। आज मैं आया हूँ हिमाचल प्रदेश पांवटा साहब, यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का गुरुद्वारा और यहाँ का स्ट्रीट फूड। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर, जैसे गुरुद्वारे में आते हैं तो काफ़ी एक मन को शांति मिलती है। अगर यहाँ पर भी आप धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर गुरुद्वारे के आसपास काफ़ी फास्ट फूड स्टॉल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से स्टॉल लगी हुई हैं, और मुझे एक पसंद आई है राजा फास्ट फूड। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं। श्रीकाल, कैसे हैं आप? जी ये भैया बना रहे हैं यहाँ पर मोमोज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले मसाला बना लेते हैं, और ये हमारे लजीज लजीज से उम्दा से मोमोज बन रहे हैं। शेप बहुत बढ़िया दी हुई है भैया ने, और ये भाई साहब इस तरीके से ये यहाँ पर बेला जा रहा है, ये देख सकते हैं आपने डो वगैरह बनाया है भैया ने, और ये देखिए इस तरीके से मसाला डाला जाता है। भैया मसाले में क्या क्या मिलाते हैं? कैरेट रहते हैं, कैबेज रहता है, ओनियन रहता है, जिंजर रहता है, गार्लिक रहता है। और ये हमारे मोमोज तैयार हो गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाप भी उड़ते हुए, और भैया आप यहाँ से निकाल रहे हैं हमारे मोमोज, ये देखिए बड़े लजीज से हो गए हैं, बड़े डिलीशियस से हो गए हैं, और देखिए साथ में इसमें भाप उड़ रही है। और ये जी रेडी टू सर्व है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडी टू सर्व है, विद इन 8 to 10 मिनट्स में हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। आँच रखते हैं, कितनी रखते हैं ये? मीडियम में। हाँ जी ये मीडियम आंच रखते हैं, फिर हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बन जाते हैं और धीमी धीमी आंच में सिक जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्लेट ऑलमोस्ट रेडी टू सर्व है, इसमें चटनी वगैरह भैया डालेंगे। ये गार्लिक सॉस है। हाँ जी ये गार्लिक सॉस आ जाता है यहाँ पर, बनाते हैं भैया लोग खुद बनाते हैं यहाँ पर। ये है शेजवान ग्रीन है, ये जी ग्रीन चिली आ गई है यहाँ पर, ग्रीन चटनी आ गई है हमारी, और ये शेजवान। हाँ शेजवान भी आजकल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चाइनीज है तो आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, चाइनीज में आपको शेजवान मिलेगा ही। ये जी हमारी प्लेट रेडी टू सर्व है। ये जी मेरे मोमोज की प्लेट आ गई है, और अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ मोमोज। यहाँ पर ये देखिए ये मेरे मोमोज हैं, ये शेजवान है, ये आपकी ग्रीन चटनी देख सकते हैं, और यहाँ पर ये जो है हमारी ये रेड चटनी है। तो अब मैं टेस्ट करके देखता हूँ जी, ये देखो वैसे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये देखने में, और ये अंदर से भी दिखाऊँ, ये देखिए आप यहाँ पर ये सब्जी वगैरह जो भैया ने बताया था सारा कुछ इन्होंने डाला हुआ है, सारी सब्जियाँ वगैरह, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब मैं टेस्ट करता हूँ, और ये जी मैं शेजवान भी लूँगा, और ये देखिए ये ग्रीन चटनी आ गई है, और यहाँ पर मेरी जो है ये जी रेड चटनी आ गई है। ये अब मैं टेस्ट करके देखता हूँ। चटनी का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, जो शेजवान वगैरह की चटनी है या जो भी इन्होंने डाला है, और साथ में जो है कैबेज, कैबेज का बहुत ही उम्दा स्वाद आ रहा है, और कैरेट का भी बहुत उम्दा स्वाद आ रहा है। जो ओनियन का टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है, और साथ में न्यूट्री का भी टेस्ट आ रहा है। जी मेरे मोमोज तो हो गए थे, अब मेरा मन कर रहा है कुछ ठंडा पीने का। मुझे दिखा है जी यहाँ पर लेमन सोडा, जलजीरा वगैरह, तो यहाँ पर चलते हैं। ये भैया जी हैं हमारे। हेलो भैया, कैसे हाल चाल है आपके? सर बढ़िया, आप सुनाओ। तो आज हमें आप जलजीरा पिलाइए। जी सर अभी बनाते हैं। ये देखिए इनका स्टाइल थोड़ा सा अलग है, जुदा है। ये देखिए इन्होंने नींबू डाल दिया, इन्होंने नमक वगैरह डाल दिया, और ये विद इन 3 से 5 सेकंड के अंदर मेरा बनके तैयार है। ये जी आप देख सकते हैं जलजीरा, और जी मेरा यहाँ पर जलजीरा आ गया, मैं टेस्ट करता हूँ। काले नमक का टेस्ट आ रहा है बहुत बढ़िया इसमें, और साथ में जो नींबू वगैरह है ना तो उसका भी बहुत ही उम्दा टेस्ट आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले किसी अच्छे वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर।